दोस्तों फिर से आ गया हूँ कि नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में नारियल उगाने का तरीका मैं बताने वाला हूँ, नारियल के पौधे को अच्छे से ग्रो करने का तरीका बताने वाला है। क्योंकि दोस्तों गर्म इलाकों में जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, इन इलाकों में बहुत ही कम देखने को मिलता है नारियल का पौधा, होता भी है तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो नारियल का पौधा लगाने का अगर सही प्रोसेस आप लोग जानते हैं तो आपके घर भी नारियल का पौधा उग सकता है और बेहतरीन फल भी दे सकता है। तो नारियल को लगाने का प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। सबसे मेन होता है नारियल को रेगुलर पानी देना। बहुत लोग पानी नहीं दे पाते हैं जिसके वजह से वो सूख जाता है और बोलते हैं कि यहाँ पर नारियल नहीं होने वाला है, लेकिन दोस्तों नारियल सब जगह होने वाला है। अगर आप लगाने का तरीका जानते हैं, उसका केयर अच्छे से करते हैं तो आप भी नारियल को उगा सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा पौधा था, देख सकते हैं, मैं मार्केट से लाया था तो इसमें से जड़ निकलना स्टार्ट हो गया था तो मैं इसे लगा दिया। दोस्तों 3 महीने में बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है, देख सकते हैं। पहले बहुत ही छोटा था, उसके बाद बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है। तो अभी लगाने का सही टाइम है, अभी लगाऊंगा तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाला है। तो लगाने के लिए देखिए इस तरीके से मैं गड्ढा कर लिया हूँ, उसके बाद नीम का पत्ती मैं दे दूंगा ताकि दोस्तों कोई भी फंगस या कीड़ा मकोड़ा जड़ को डैमेज ना करे। तो इस तरीके से नीम पत्ता चारों तरफ मैं फैला दे रहा हूँ। उसके बाद मैं रिवर सैंड, इस तरीके से जो नदी में बालू रहता है उसको आपको इस तरीके से आधा हिस्सा, आधा गड्ढे को भर देना है। दोस्तों गड्ढा थोड़ा गहरा बनाएं ताकि रिवर सैंड और जो गोबर का खाद हम लोग देने वाले हैं तो ज़्यादा मात्रा में एरिया कवर करें ताकि जड़ का ग्रोथ चारों तरफ और बहुत ही अच्छे से हो। तो अभी मैं इससे घास को अलग करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा घास हो गया है 3 महीने में, मैं साफ भी नहीं किया इसको। एक जगह पर छोड़ दिया था जहाँ से पानी रेगुलर आते जाते रहता था, तो इस तरीके से वहाँ पर छोड़ दिया था तो वहीं से पानी भी नहीं देना पड़ता था ज़्यादा। देख सकते जड़ प्लास्टिक से बाहर आ गया, देख सकते प्लास्टिक से बाहर आ गया बहुत सारा, देख सकते जड़ बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो अभी हम लोग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि कुछ दिन बाद बारिश भी स्टार्ट हो जाएगा तो हमें पानी उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं इसे निकाल लूँगा ताकि अच्छे से निकालूँगा ताकि जड़ उसका डैमेज ना हो। देखिए मैं निकाल लिया हूँ, अभी दोस्तों हम लोग इसे लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अभी लगाने वाले हैं, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जड़ का ग्रोथ हुआ है। अभी जड़ को अच्छे से एडजस्ट करके उसको चारों तरफ से बैठा देंगे बढ़िया से, और उसके बाद गोबर का खाद हम लोग दे देने वाले हैं। इस तरीके से गोबर का खाद उसके ऊपर नॉर्मल मिट्टी का और एक लेयर चढ़ाएंगे, देख सकते हैं नॉर्मल मिट्टी से ऊपर से एक लेयर दे देंगे, इस तरीके से लगा लेना है। दोस्तों हम लोग बालू का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि दोस्तों जो छोटे छोटे चींटी जो होते हैं वो जड़ को डैमेज ना करे और सुरंग बनाते हैं वो नीचे से। तो इस तरीके से हम रिवर सैंड देंगे तो जड़ का ग्रोथ भी अच्छे से होगा और कीड़ा मकोड़ा से भी बचा रहेगा हमारा पौधा। देख सकते हैं मैं लगाया था इसे कलकत्ता से लाके, बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है, देख सकते हैं बहुत ही हरा भरा पत्ती है। और ये मैं केरल का कंपनी था वहाँ से वो ऑर्डर किया था, तो एक एक पीस 500 रुपये मेरे को पड़ा था। हाइब्रिड प्लांट है, 2 ईयर का प्लांट था, मेच्योर प्लांट था। तो इस तरीके से एक प्लांट कम ग्रोथ किया है और एक प्लांट बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किया है। तो देख सकते हैं आम भी बहुत ही बेहतरीन हुआ है। दोस्तों आप लोग भी लगा सकते हैं, अगर मार्केट से कोई भी नारियल लगाते हैं उसमें से जड़ निकल गया तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय, थैंक यू।